हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार पॉडकास्ट। सो बहुत वेट के बाद आखिरकार हम एक इंटरव्यू के साथ आए हैं, और आज का इंटरव्यू मेरे लिए और स्पेशली यूथ के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वागत करना चाहूंगा जानवी जी। जानवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तुषार पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच तुषार, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे इस इंटरव्यू को देने लायक समझा। So I'm really grateful to you for this opportunity. And I am grateful that I am having the personalities like you on our podcast. Oh God, it's not like that. But yeah, I'm really, I was really willing to say that I saw your channel, I saw your work. Your work is commendable at such a young age. The oratory skills you're having, it's just amazing. So hats off to you, man. So, अभी जितनी तारीफ जानवी जी ने हमारी करी है, सबसे पहले हम लोगों को इनके बारे में बताना चाहेंगे। जानवी जी ने अपना बीएससी का आई थिंक फाइनल ईयर में है इस समय, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक एआरएसडी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एआरएसडी कॉलेज में इस समय है, और वाइस प्रेसिडेंट है द टर्क विंगर, एक डिबेटिंग सोसाइटी है, और म्यूजिक सोसाइटी का भी दीदी सेक्रेटरी रह चुकी है, और NSU ARSD, ये एक हमारी कम्युनिटी है आई थिंक जो स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करती है, तो दीदी उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो इतनी सारी चीजों का आप सबसे पहले बताइए कैसे संभाल लेते हैं। आई वुड से द की टू ऑल दिस इज मैनेजमेंट, एंड मेरा हमेशा से बचपन से एक नेचर रहा है, मैं एक जगह पर टिकती नहीं हूँ, मतलब मल्टीटास्किंग की हैबिट रही है हमेशा से। So maybe this is one of the reasons that I like to do multiple things at the same time. So ये कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आप देखोगे कि म्यूजिक में भी दीदी किसी भी टाइम पता चलेगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, अगले सेकेंड ही हमें गाना सुनने को मिल रहा है। तो ये चीजें मतलब कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं होती हैं। So मैं अपनी बातें बताते बताते भटक जाता हूँ, चलो सबसे पहले आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल टॉपिक है, जो मैं मानता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे यूथ है, उनका एक माइंडसेट पुराने जमाने से ये बना हुआ है, पेरेंट्स को लेके सभी को लेके, कि यार अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करी तो बेकार है, अगर मतलब कि कहते हैं ना घर का बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करना चाहिए तो उसके लिए रिश्ता देखने में आसानी होगी, ये सब चीज आई थिंक पहले से चल रही है। तो आपके अनुसार ये चीजें कितनी सही थी, मैं जानना चाहूंगा जानवी। देखिए सबसे पहले तो मतलब हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है बायस हो चुका है, एंड ऑप्शंस हम एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं। ऊपर से जो एक मिर्च मसाला लगाने की अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो वो हमारी बॉलीवुड मूवीज ही लगा देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इफ वी लुक एट द वाइडर पिक्चर, अब जैसे दो मूवीज आई, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हो चुका था ये, शादी में जरूर आना वॉज वन मूवी, एंड 12th फेल वॉज अनदर मूवी। शादी में जरूर आना ही क्रैक्ड यूपीएससी बिकॉज ही गॉट अ ब्रेकअप, एंड 12th फेल में ही क्लियर्ड यूपीएससी बिकॉज हिज पार्टनर वॉज क्वाइट सपोर्टिव। तो बड़ा ही ऐसा डिबेटेबल सा टॉपिक छिड़ गया कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए यू नीड अ पार्टनर और यू डोंट नीड अ पार्टनर। या सो द थिंग इज ना, हमारी एक जो भी करंट प्रॉब्लम है इट इज भेड़चाल में हम लोग बहुत चलते हैं, पीयर प्रेशर तो मतलब अलग अलग ही लेवल पे जाता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे खुद के एम्बिशंस क्या है या खुद का हमारा एक गोल क्या है, वी नेवर अंडरस्टैंड दैट। एंड जैसे हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, हमारे फ्रेंड सर्कल में जैसे इफ समवन इज अपीयरिंग फॉर यूपीएससी, समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, या फिर ऐसे किसी भी स्टेट सर्विसेज में या किसी के लिए भी वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनका सीधा साधा एक पर्सपेक्टिव ये आता है, अरे मेरा दोस्त जा रहा है चलो मैं भी जाऊंगा। लबासना में जाने का सबका बहुत क्रेज होता है, लबासना यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। कुछ लोग उसको एज अ मोटिवेशन लेते हैं और कुछ लोग उसको एक ईगो पे ले लेते हैं कि भाई यहाँ नहीं गया तो फिर लानत है मुझ पर, मतलब वो खुद का सेल्फ वर्थ ना
इस एग्जाम से भापने लगते हैं कि हाँ अगर ये मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो ठीक है, आई एम गुड इनफ. बट अगर हमारा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भाई मुझ में लानत है. एंड यू नो आई हैव ऑफन सीन दैट दैट इज द हार्श ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी, कि स्टूडेंट्स एक एग्जाम के चलते अपना पोटेंशियल जज कर लेते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा ऐसी चीज लगती है कि क्या यूज है उस चीज का, उसका कोई यूज नहीं है. मतलब हमारे पेरेंट्स ठीक है, आर पेरेंट्स डू हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, बट एज अ पेरेंट भी, मतलब पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हर बच्चे का कैलिबर अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, एंड everyone have different interest, everyone have different ambitions, so we cannot expect them to follow our ambition. It is not possible. क्योंकि अगर आप अपनी willingness के against काम कर रहे हैं तो आप उस काम में भी अपना 100% नहीं दे सकते हैं. अब एक चीज आपने सुनी होगी बचपन से कि अगर आपके लिए कोई चीज बहुत ज्यादा, मतलब एक ही चीज के पीछे ज्यादा लोग ऐसे भागने लगते हैं ना, तो उस चीज की धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाती है. हाँ बिल्कुल, ये सही बात है. अब यूपीएससी के पीछे इतने सारे लोग भाग रहे हैं, इतने सारे, मतलब आप, इवन मैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ, हर दूसरा आपको यूपीएससी एस्पिरेंट ही मिलेगा बच्चा. तो उससे आप पूछोगे कि हाँ यूपीएससी क्यों करना है, सरकारी नौकरी चाहिए बस, वो एक डिग्निटी चाहिए, बट नेशन को सर्व करने वाला एक वो जो होता है ना, एक वो जुनून होता है, वो खत्म होता जा रहा है. मतलब आप आर्मी में भी, अब जैसे अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर योजना आने पर यू नो दे आर रिक्रूटिंग पीपल इन द इंडियन आर्मी, बट अगर तुम ऐसे बल्क में लोग ले लोगे तो फिर एक अंदर का जो पेट्रियोटिज्म जो अंदर से आता है वही खत्म हो जाएगा ना. जी जी, और मैं आपको बीच में इंटरेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जानवी जी, आपका क्या इसमें ओपिनियन है कि किसी पोस्ट की वैल्यू होती है, किसी पर्सन की वैल्यू होती है? आई फील पर्सन की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर मैं इनकेस अपनी भी बात करूँ तो आई वॉज विलिंग टू कंटेस्ट फॉर द कॉलेज इलेक्शंस, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई वॉज नॉट एबल टू डू द सेम. बट फिर भी, मतलब मैं ARSG के मेरे जितने जूनियर्स हैं, आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, आई रियली प्रेज ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने कभी भी उस प्यार में कभी कमी नहीं छोड़ी. मतलब एक जानवी दीदी का एक और जो टैग दिया, वो टैग आज तक नहीं छोड़ा, whether I got a position or not, but they never left that tag कि हाँ, मतलब दीदी की रिस्पेक्ट करने के लिए वी नीड अ पोजिशन, ऐसा नहीं है. मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब अगर आप पर्सन की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो इट कम्स फ्रॉम अ जेन्युइन हार्ट, बट अगर आप पोजिशन की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो इट इज अ सेल्फिश मोटिव, आई वुड से. Of course. और अगर आप मूवीज पे भी अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं एक चीज आप नोटिस करोगे कि IPS ऑफिसर्स बहुत थे, लेकिन मनोज कुमार शर्मा पर ही क्यों मूवी बनी, मतलब उनकी उनकी इमेज पे बनी. IPS तो एक उनका टैग है, लेकिन उनकी लाइफ के ऊपर मूवी बनी. तो कहीं ना कहीं पर्सन का फोकस होना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी जॉब पे फोकस, मैं वही कहता हूँ जो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट लिसनर्स को बताता हूँ कि कभी भी कोई जॉब आपका टारगेट नहीं हो सकती है. अगर एक जॉब को टारगेट लेके चलोगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं सक्सेस पीछे रह जाएगी. इसलिए एक मानसिकता, एक आइडियोलॉजी को अपना टारगेट बना के चलो तो सफलता, मैं कह रहा हूँ IAS बहुत छोटी चीज है, आप देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते हो उस चीज में. एग्जैक्टली. अब जैसे मैंने देखा है कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों को बहुत सारे लूपहोल्स दिखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये खराब है. नायक मूवी का ना एक डायलॉग था जो मुझे काफी पसंद आया था, परेश रावल जी का डायलॉग था कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है, ये सब बोल के पीछे हट जाते हैं, बट कोई भी उस कीचड़ में उतर के उसको साफ नहीं करना चाहता है. बिल्कुल बिल्कुल. उसको, उसकी खामियां निकालना आसान है, पर उन खामियों को अपनी तरफ से खत्म करना, उसके लिए एक गट्स चाहिए, उसके लिए तो गट्स चाहिए ही चाहिए. एंड जैसे मनोज कुमार शर्मा जी की भी अगर मैं बात करूं, उनकी, अब जैसे हम ना यूजुअली देखते हैं, हमारे पास जो भी स्टोरीज हम देखते आए हैं बचपन से, जो एक वो थोड़ी ना रियलिटी से हटके चलती है चीजें. बिल्कुल. अब मनोज कुमार शर्मा जी की पूरी स्टोरी एकदम रियल थी, हाउ ही फेल्ड इन सेवरल अटेम्प्ट्स, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है. हर बार आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लो ऐसा जरूरी नहीं है,
इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. वो भी काफी अटेम्प्ट्स में फेल हुए, उसके बाद ही वॉज एबल टू गेट सक्सेस इन हिज लास्ट अटेम्प्ट. जस्ट इमेजिन, यूपीएससी आपको इतने सारे अटेम्प्ट्स देता है, बट ही वॉज एबल टू क्लियर दैट इन हिज लास्ट अटेम्प्ट. तो वो स्टूडेंट एक तरह से सोच के चलना चाहिए कि अगर उनका लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है तो यू कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हाँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पक्का से पक्का हो जाएगा. बट वही बात है, यूपीएससी आपका प्राइमरी गोल ही नहीं है, तो यू नो बाय नेग्लेक्टिंग द अदर अपॉर्चुनिटीज आप उसके पीछे लाइक बाकी एक वो जो एक भीड़ जा रही है, एक लाइन जा रही है, आप उसके पीछे जस्ट जा रहे हैं फॉर नो रीजन. आपको नहीं पता वो भीड़ कहाँ जा रही है. आप जस्ट उसके पीछे जस्ट जाए जा रहे हैं, तो वो भीड़ आपको कहाँ लेकर जाएगी एंड में. तो मैं इसमें कभी हम पढ़ते हैं तो हमें ये चीज, मतलब कल मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था कि डॉली चाय वाले जो है उनके बारे में देखो सब अवेयर है, तो ये सारी चीज चल रही थी, लोग स्टडी कर रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उन्होंने बिल गेट्स को चाय पिलाई. और आप बिलीव नहीं करोगे जो मैं आपको अगली लाइन बोलने वाला हूँ, आप खुद बिलीव नहीं करोगे, विंडो 12 के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं वो. अब बताओ. देखिए सबसे पहली बात तो ये है लाइक ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो कुछ ऐसा फ्रूटफुल नहीं दे रहे हैं हम ऑडियंस को, उनको फेमस कर कौन रहा है? उनको हम लोग ही तो फेमस कर रहे हैं. बिल्कुल हम ही कर रहे हैं. मतलब हमें ना फिर कोई इस चीज का राइट नहीं बनता कि हाँ मतलब कोई एक यूजलेस सा पर्सन, मतलब जिसने कुछ ऐसा फ्रूटफुल नहीं किया है, कुछ इतना अच्छा नहीं किया है, वो एकदम से फेमस हो जाए, बड़े बड़े कोलैबोरेशंस कर दे, एंड वी जस्ट यू नो कीप ब्लेमिंग आवर ओन सेल्फ कि हाँ भाई उसकी जगह पे मैं क्यों नहीं हूँ. अरे यार जब उसकी रील्स जलती थी तब तुम ही लाइक करके आते थे, तब तुम ही कमेंट करके आते थे. कमेंट भी मतलब वैसा क्रिटिसाइजिंग था कि मतलब डॉली चाय वाला ने ये किया, डॉली चाय वाला ने ये किया, मतलब तुम उसको रोस्ट करने के लिए कमेंट्स कर देते हो, रीच तो उसी को आती है, तो फिर कैसे होगा. और एक चीज आप देखो, कहीं ना कहीं लोगों को ना सक्सेस ही दिखती है. Exactly. लोगों का आपका स्ट्रगल नहीं देखेंगे कि अब मैं मानता हूँ चलिए मनोज कुमार शर्मा के ऊपर मूवी बनी है, उनके ऊपर कहानी लिखी गई, सब ये मानते हैं कि सबको जितना शोहरत सब मिल रहा है, लेकिन ये बताइए कि जिस जगह से वो आ रहे थे, जो उन्होंने स्ट्रगल करे, उनकी कहानी का एक पार्ट में आज मतलब लाइफ में बताना चाहूंगा कि उनकी दादी जी ने उन्हें पैसे दिए थे उनकी पेंशन के जो आखिरी बचे हुए थे, तो जब वो पेंशन दिए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा डीएसपी अफसर बन के ही आना. तो वो चीज जब वो उन्होंने करा और उनके पैसे चुराए कर जब वो वापस आते हैं तो आप देखते हैं उनकी दादी जी नहीं रहती हैं. तो इस भारी चीजों को सबसे पहली बात तो संभालना बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ आम इंसान इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं संभाल सकता हो. और दूसरी, हम उस लोगों को ना इतनी सुपीरियरिटी दे देते हैं कि हम समझते हैं यार इनकी लाइफ ऐसी रही है, इनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे, तो ये ना आदत पड़ गई है. अब ये बताइए, मैं छोटा सा सवाल सभी से है कि दुख की या सुख किसकी, मतलब इसकी आदत किसको होती है? मैं मानना चाहूंगा कि मुझे दुख की आदत है, मुझे दुखी मिल रहे हैं लाइफ में, सारे सिचुएशन सबको मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें ना ये किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि यार इसने तो ये करा था इसलिए इसको मिल गया, इसने तो ये करा था इसको मिल गया. अरे सिचुएशन सबकी सेम होती है, उसको फ्रूटफुल आप कैसे बना रहे हो ये आपके हाथ में है कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली. अब जैसे आजकल की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक कुछ यू ऑल्सो बिलोंग टू द जेन ज़ी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म्स अल्फा मेल, सिग्मा मेल. अब ये टर्म ना इतने ज्यादा अब वैसे हो चुके हैं, प्रिवेलेंट हो चुके हैं कि लोगों से एक एक्सेप्टेंस नाम का कीड़ा होता है ना, वो खत्म हो चुका है. बिल्कुल खत्म हो चुका है. मतलब उसके पास कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं, उसकी उसका फेस ऐसा क्यों है, मेरा फेस ऐसा क्यों नहीं, उसकी हाइट इतनी क्यों है, मेरी हाइट उतनी क्यों नहीं, उसका यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्यों निकल गया, मेरा क्यों नहीं. हम ना एक्सेप्ट करना ही नहीं जानते हैं. दिस इज द अटमोस्ट सिचुएशन, एंड आधी से ज्यादा चीजें यहीं से शुरू होती हैं जब हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए होंगे, मेरी लाइफ में भी आए हैं, एंड जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं सबकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में फेलियर आए होंगे. पर हर जगह कही गई है, समय का पहिया है, चलता रहता है. और अच्छा समय अगर आता है तो बुरा समय भी सभी का आता है, सबके लिए समय एक जैसा नहीं होता. और यार सिर्फ दुखी लाइफ किसी की नहीं होती, सिर्फ खुशी भरी लाइफ भी किसी की नहीं होती.
लाइफ इज रोलर कोस्टर राइड, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, बट हमें तो एक्सेप्ट करने वाला बनना चाहिए एटलीस्ट कि हाँ, मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. फेल, चलो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम रखें, फर्स्ट अटेम्प्ट में चलो प्रिलिम्स नहीं निकला, ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करके आओ. लेकिन अगले साल और मेहनत करने का फायदा भी तभी है अगर आप यूपीएससी सच में करके नेशन को सर्व करना चाहते हो. आई डोंट थिंक कि यूपीएससी इज द ओनली वे टू सर्व टू द नेशन. डॉक्टर्स भी सर्व करते हैं, इंजीनियर्स भी सर्व करते हैं, पॉलिटिशियंस भी सर्व करते हैं, और जितने भी हमारे रिसर्च सेक्टर्स होते हैं वो सब भी सर्व करते हैं. तो यूपीएससी इज नॉट द वे. मतलब हाँ, जैसे मनोज कुमार जी ने भी उसमें मूवी में उनका एक डायलॉग था, उनसे लास्ट इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आपका वो अटेम्प्ट सिलेक्ट नहीं हुए आप, तो फिर आप क्या करेंगे. तो उसने बोला था कि आईपीएस बनना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद इस देश के लिए कुछ करना है. अगर मैं आईपीएस बनके नहीं करूंगा तो कुछ ना कुछ और बनके कर ही लूंगा. ऑफ कोर्स. और अगर आप कहीं ना कहीं अगर हम सोचे तो भगत सिंह जैसे लोगों का एग्जांपल लेना चाहिए कि यार ये भी इंडिया के ही लोग हैं जिनको कुछ मिल भी नहीं रहा था लेकिन वो फिर भी फांसी पर चढ़ गए, मतलब अपने देश की आजादी के लिए. तो हम आज के टाइम में इस छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस को इतना बड़ा फील कर लेते हैं और उस सैक्रिफाइस के बारे में तो कहीं हम सोच भी नहीं पाते हैं. एग्जैक्टली. अब जैसे एजुकेशन की बात भी रही, अब जैसे यूपीएससी का ना एक बहुत बड़ा एक परसेप्शन बना लेते हैं लोग, यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इट इज द टफेस्ट एग्जाम, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है. अब मैं बताती हूँ वो टफेस्ट होने का रीजन क्या है. हम यूपीएससी को ना एक, जैसे हम बाकी पेपर्स दे देते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का फिजिक्स का हमारे जो पेपर्स होते हैं हम वो पेपर्स दे देते हैं, उसके लिए सिलेबस रटो और फिर उसके बाद पेपर में लिख के आ जाओ. यूपीएससी को भी वो लोग ऐसा ही समझते हैं. यूपीएससी का दे थिंक कि ओके, मतलब पेपर देना है, पेपर के लिए काफी बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट यूपीएससी इज ऑल अबाउट द लाइफ स्किल कि आप रियल लाइफ में सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो. एथिक्स का एक पेपर स्पेसिफिकली इसी के लिए होता है कि आप रियल लाइफ में सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो. आर यू केपेबल इनफ टू यू नो मैनेज एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट. आर यू केपेबल इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल अराउंड यू. उनको ये नहीं चाहिए कि हाँ भाई आप इतनी मोटी मोटी 50 बुक्स लेके बैठ जाओ एंड आप बस एक 18-19 घंटे बस बिना नींद लिए बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. इट्स नॉट दैट वे. उस चीज को बहुत ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं एग्जैजरेट किया गया. मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि यूपीएससी बहुत ही इजी एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है. एक मिनट, एक का क्या आया था, आई जस्ट सॉ दीदी जैम के बारे में भी कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस कर दो. जैम मैंने नहीं दिया है बिकॉज आई एम नॉट पैशनेट टूवर्ड्स केमिस्ट्री, आई एम मोर पैशनेट टूवर्ड्स एक्टिविज्म. बाकी दीज आर फ्रॉम माई कॉलेज ओनली. तो लेट्स सी. तो आप केमिस्ट्री से हैं तो एक बात मैं डिस्कस और करना चाहूंगा. केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है हमारे पास एक्सेप्शन, कि वहां भी कहीं ना कहीं रूल्स ब्रेक होते हैं. तो हम अपनी लाइफ में ना कहीं इतने रूल्स बना लेते हैं कि टाइम टेबल बनाना है, सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ये एग्जाम ऐसे देना है, इसके लिए इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी. तो ये चीजें कहीं ना कहीं ना एक रूल्स के अंदर हम बाउंड होकर रह गए हैं. और लाइफ का मजा मैं मानता हूँ रूल्स में तो कभी नहीं है. जब तक आप रूल्स ब्रेक नहीं करते हो ना तो लाइफ को आपको असलियत पता नहीं चलती है कहीं ना कहीं. अब जैसे हम कॉलेज लाइफ में भी अगर हम ज्यादा बर्डन नहीं चाहते हैं, लाइक यू आर इन स्कूल राइट नाउ, तो इफ आई ब्रिंग आउट दिस ट्रिप ऑफ कॉलेज लाइफ, कॉलेज में यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम आया, सेमेस्टर एग्जाम के 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं. ऐसा होता है, मतलब तब भी लोगों का पेपर निकल जाता है. पूरे साल मस्ती करी, पेपर के 4-5 दिन पहले पढ़ा. डी यू थिंग्स, दीज आर जस्ट डी यू थिंग्स. 4-5 दिन पहले पढ़ा और पेपर निकल जाता है. एंड मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था यूपीएससी का, आई वोंट टेक द नेम, बट उनका ऐसा था, उनका एक मैंने सेशन अटेंड किया था. इन दैट सेशन जो मेंटोर थे उन्होंने भी ये चीज कही कि अगर आप वो 2 आवर्स की भी पढ़ाई कर लेते हो फॉर यूपीएससी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज लाइफ, जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर में हो एंड आपके लिए दिन में 2 घंटे निकालना फॉर योर ड्रीम, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील.
मतलब 2 घंटे आप निकाल सकते हैं, 2 घंटे अगर आप निकाल के रोज थोड़ा सा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप वो सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे, पास पास ईयर पेपर आप लास्ट में सॉल्व करें तो भी चल जाता है। और वो जो मेंटोर थे उनका खुद यूपीएससी 4 बार क्रैक हुआ है, ऑफकोर्स उनका 4 बार क्रैक हुआ है, तो ऑफकोर्स उनकी बात को डिनाई करने का देर वॉज नो स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो 4 बार क्रैक कर चुके हैं। वी आर जस्ट न्यूबीज हु हैवंट इवन गिवन द एग्जाम्स येट। तो अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको ये चीज बता रहे हैं कि हाँ, मतलब अगर आप दिन में 2-3 घंटे भी अगर आप पढ़ लेंगे डेली, तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, रादर देन यू नो स्टडिंग फॉर 19 आवर्स, 20 आवर्स। मैं तो ये सोचती हूँ लोग 19-20 घंटे पढ़ कैसे लेते हैं विदाउट टेकिंग अ स्लीप। एक दिन के अलावा मैं मानता हूँ बॉडी भी सपोर्ट नहीं करेगी 19 घंटे पढ़ना, क्योंकि फिर क्या होगा, मतलब इंसोम्निया जैसी डिजीजेस होंगे, एंड उससे फिर आप चलिए एक बार को आप एग्जाम दे भी देंगे, उसके बाद वुड यू बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल? अच्छा एब्सोल्युटली। चलिए, इसमें आपने भी मुझे सब चीजें समझाई, मैं मानता हूँ। इसमें अब एक चीज देखी है, आपने 19-20 घंटे पढ़ाई करी, आपने बढ़िया तरीके से मेहनत करी, एक क्वेश्चन आ गया मेंटल बेस्ड या फिर एक आ गया सोसाइटी बेस्ड। अब आपने जितना पढ़ा है आप उतना ही आंसर कर सकते हो उस बेस में, क्योंकि आपने 20 घंटे अगर कोई चीज करी तो छप गई, आप उतना ही करोगे, उसके थोड़ा साइड बाय साइड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मान लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड चीज आ गई तो वहां पे आप घूम जाओगे, वहां पे आपके वो 20 घंटे की पढ़ाई कहीं काम नहीं आने वाली है। इसलिए वो प्रैक्टिकल लेना बहुत जरूरी है। अब हम पता, आज का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ जानवी जी, कि लोग प्रैक्टिकल दुनिया में रहना ही पसंद नहीं करते हैं। वो बात सच है। अब जैसे मेरे पास भी बच्चे आते हैं अक्सर, अभी आजकल का भी ऐसा सा सीन है, मेंटल ट्रॉमा में बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा, कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, उसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग अ बिट डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड वर्ड बहुत यूज करते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड भी नहीं, डिप्रेस्ड वर्ड यूज करते हैं सीधा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिप्रेस बोल देते हैं, एंड आई एम लाइक कि ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग डिप्रेस्ड। अभी मैंने वही कहा, सारी चीजें ना आपस में इंटरलिंक्ड ही होती है, एक्सेप्टेंस नाम की चीज नहीं है आजकल की सोसाइटी में, कि इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू टॉक टू यू देन यू डोंट हैव टू फोर्स द सेम पर्सन टू टॉक टू यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैसेज ले लेंगे, यू नो आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया। हम सोसाइटी का जो ट्रुथ होता है ना, उसमें हम रहना ही नहीं चाहते। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस जिसकी वजह से लोग मेंटली इतना परेशान रहते हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स ना हर चीज में मुझे इन्वॉल्व रखते हैं, हर चीज में, इन द सेंस जैसे यूजुअली पेरेंट्स अक्सर ऐसा होता है इंडियन हाउस होल्ड में कि अगर पेरेंट्स के बीच में कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, दे वुड जस्ट आस्क देयर किड्स कि हाँ यू डोंट हैव टू लिसन, यू हैव नो नीड टू लिसन टू एनी स्टफ वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, है ना, वो ऐसा कर देते। दे ऑलवेज अलाउड मी टू लिसन टू एवरीथिंग, सो दैट सेम आई चाइल्डहुड इटसेल्फ दैट व्हाट इज द बिटर ट्रुथ ऑफ दिस सोसाइटी, कि आपके अपने खून के रिश्तेदार भी आपके लिए नहीं होते हैं, कि आपको बीच में ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखना पड़ सकता है, आपको बीच बीच में ऐसा यू नो एक पीठ पीछे एक वो बैक बिचिंग होती है, आपको वो भी देखनी पड़ सकती है। तो मेरे पेरेंट्स ने ना इसी वजह से, मतलब मुझे बचपन से हमेशा से हर चीज में एकदम ऐसा इंडल्ज रखा है, आई समहाउ फील कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं एकदम ऐसे रहती हूँ बिंदास, कि किसी चीज का कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुझे स्ट्रेस लेने के टाइम पे भी स्ट्रेस नहीं होता, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे अक्सर मेरे जो टीममेट्स हैं, लाइक स्पेशली फ्रॉम द म्यूजिक सोसाइटी, मुझे अब वहाँ पे क्या है, आई वर्क अ लॉट, आई लिटरली वर्क अ लॉट, एंड मैं वर्कोहॉलिक नेचर की ही हूँ, मतलब मुझे खाली तो बैठा ही नहीं जाता, तो वो भी मुझे बोल देते हैं कि यार स्ट्रेस लेने के टाइम पे तुझे स्ट्रेस कैसे नहीं होता है, वो भी क्योंकि तुझे स्ट्रेस कैसे नहीं होता है यार। अब बात तो वही है ना, हम स्ट्रेस लेंगे उससे सिचुएशन वर्सन अप ही होगी, अगर हम 20-20 घंटे 21-21 घंटे पढ़ के स्ट्रेस ले लेंगे उससे चीजें वर्सन अप ही होगी, मतलब या तो पेपर में वो वर्सन अप दिखाई देगा या तो हमारी हेल्थ पे दिखाई देगा। अब सोसाइटी से बिल्कुल अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, आई कंप्लीटली अग्री विद योर पॉइंट, अगर आप सोसाइटी के
वो जो एक हार्श रियलिटी है, अगर आप उससे ही दूर हो तो आप चीज का कोई जवाब नहीं दे सकते हो. ये एक हार्श रियलिटी है और इस चीज को जितना जल्दी सभी के सभी समझे अच्छी बात है. अब जैसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर लाइक कि हम अपने स्टेट से अलग कर रहे हैं, जैसे आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एम कर रहे हो. ऑफ कोर्स यू विल मूव अवे फ्रॉम योर होम, यू लिव हियर इन अ पीजी, यू लिव हियर इन अ फ्लैट, यू विल मीट न्यू पीपल, यू विल सी न्यू फेसेस, तुम्हें पता चलेगा. तुम जो एक हम जब स्कूल टाइम में होते हैं ना, हम स्कूल टाइम में एक एक्सेल में रहते हैं हमारे पेरेंट्स की छाव में, कि वो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं. बट एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें उस एक्सेल से बाहर आना पड़ेगा एंड फेस एवरीवन अलोन. तुम्हारे पेरेंट्स भी हर टाइम पे तुम्हारे साथ नहीं होंगे. और जब तुम ग्रेजुएशन टाइम में व्हेन यू मूव टू अनदर सिटी, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, वो खुद खाना बनाते हैं, खुद अपना सारा चीजें मैनेज करते हैं, यू नो, खुद मार्केट से जाके ग्रोसरीज लाना, जो उन्होंने अपने घर पे कभी नहीं किया, खाना बनाना एंड अपने घर पे अकेले अपना सब कुछ मैनेज करना, तो वो चीज वो लोग करते हैं. उन्होंने एक वो सोसाइटी का एक ट्रुथ देख लिया कि हाँ भाई, मतलब ठीक है तुमने बहुत लोगों का अच्छा कर लिया, बट वही है, तुम्हें इस सिचुएशन से तो बचाने कोई भी नहीं आएगा, ये चीज तो कभी ना कभी आनी ही आनी है. बिल्कुल. अगर हम लोग एकदम से भागे हुए हैं ना कि हाँ भाई, मतलब सोसाइटी में, अब जैसे करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, व्हाट डू यू थिंक कि करंट अफेयर्स कवर करने के लिए व्हाट अ स्टूडेंट मस्ट डू? इसमें मैं पहले दो चीजें रखना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहली बात तो जो आजकल लोगों ने सोर्स बनाया हुआ है, पहले व्हाट्सएप था, अब इंस्टाग्राम बन गया है कि लोग पोस्ट आरबीसीजे इंस्टा का मैंने हैंडल देखा है कि कोई खबर होगी बाद में वो पहले आरबीसीजे इंस्टा के अकाउंट में मिल जाएगी. तो सबसे पहली जो कहीं ना कहीं चीज हो रही है ना कि हम ऑथेंटिक न्यूज से कहीं ना कहीं बहुत दूर आ गए. कोई भी छोटी सी न्यूज आ जाए हम तुरंत उसको स्प्रेड कर देते हैं कि अब जैसे आज ही न्यूज आई कि यहाँ पे ये फायरिंग हो रही है या ये हो रहा है, हमने सुनी, मतलब कहीं सुनी और तुरंत उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया. उसकी ना तो ऑथेंटिसिटी पड़ी, और मान लीजिए कब भगवान ना करे कभी उस पर रिपोर्ट हुई तो नाम किसका आएगा कि भैया आपने ये चीज बोली थी, रिपोर्ट तो आप पे होगी. तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं. और सबसे मेन सोर्स जो मैं मानता हूँ वो है ब्लॉग. तो आप ब्लॉग्स नहीं पढ़ेंगे, आप वेबसाइट्स पर जाके उन खबर को नहीं पढ़ लेते, उस पर विश्वास बिल्कुल मत करिए. क्योंकि मैं आप न्यूज भी आप देखोगे डिजिटल मीडिया भी कहीं ना कहीं न्यूज बहुत आने लग गई है फेक. तो हमें ऑथेंटिक न्यूज की तरफ जाना होगा. हमारे पास न्यूज हो गए, टाइम्स नाउ हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो एक ऑथेंटिक चैनल्स हैं. आज के टाइम पे हम चैनल्स कौन से देखना चाहते हैं? आज तक, एबीपी न्यूज. अब ये कहीं ना कहीं देखो, मैं चैनल्स के नेम ले रहा हूँ कहीं ना कहीं पे लाइव पे, बट कहीं ना कहीं सारी चीजें कि जर्नलिज्म इस समय एक लिमिटेड एक एरिया के अंदर आ चुका है. तो वो सारी चीजें हैं, और ऑथेंटिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है. अगर ऑथेंटिक नहीं पढ़ेंगे तो वो लाइव में कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे अब्सॉर्ब होनी शुरू हो जाएंगी. अब जैसे अभी रिसेंटली जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ा, दैट वाज इलेक्टोरल बॉन्ड्स. यस यस यस, इट वाज अ रियली कंट्रोवर्शियल टॉपिक. ध्रुव राठी ने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो निकाल दी एंड ही इज गेटिंग क्रिटिसाइज्ड एवरीवेयर बाय द बीजेपी सपोर्टर्स. तुम्हें पता ही क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन, हाउ कुड यू क्लेम दैट, हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दैट. अब जैसे हमारा पता है क्या है, हमें चाहिए सब कुछ एकदम फास्ट. हम पढ़ना नहीं चाहते, हम वीडियोस देख लेंगे, रील्स पे अपना पूरा पूरा टाइम स्क्रॉल कर लेंगे, बट हम ना ऑथेंटिक खबरें पढ़ना ही नहीं चाहते. अब जैसे खबर पढ़ने की जब बात आती है तो भाई हाँ ठीक है, हमें नींद आ रही है, वो एकदम ऐसा हो जाता है एटीट्यूड सभी का कि नींद आने लगती है. अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आया तो उसका एक वो जो स्पेसिफिक जो बोलते हैं एक स्पेसिफिक सोर्स होता है, हम वो कभी गो थ्रू करना ही नहीं चाहते. हम ना बस ऐसा कोई हमारा एक फेवरेट कोई व्लॉगर होगा, उसको देख लिया, उसने खबर बता दी, हमने सुन ली. अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले जब ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स को प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, उसके बाद हमारे मालदीव्स के साथ जो रिलेशंस खराब हुए थे, वो रिलेशन खराब कब से हो रहे हैं, लाइक इट्स बीन 10-12 इयर्स, बट वो जो एक इनडेप्थ रिसर्च होती है वो किसी ने भी नहीं करी कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, वहां पे लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है. हम पता है
अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज में जाते हैं ना, हमारी काफी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो पता है वहीं से कवर हो जाती है. जैसे मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कि लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है, सेंट्रलिस्ट क्या है वगैरह वगैरह. मतलब ये तो सारे बहुत ही ऐसे पॉलिटिकल साइंस टाइप के टर्म्स हैं, बट जी हाउ आई नो दिस, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी माई सेल्फ. एज यू सेड NSUI, आई एम अ पार्ट ऑफ NSUI एंड आई एम बींग देयर रिप्रेजेंटेटिव राइट नाउ. तो ऐसे विंग्स होते हैं, सबकी अलग अलग विंग्स होती हैं कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेंट्रल है, इनकी आइडियोलॉजी ये है, इनकी आइडियोलॉजी ये है. ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ये मैंने कहीं किसी किताब से नहीं पढ़ा, ये मैंने कहीं कोई ऐसा क्रोम पे खोल के सोर्स नहीं निकाला कि हाँ मतलब ठीक है मुझे यहाँ से पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता. अब सोर्सेस का तो हम बात करें ना, सोर्सेस के नाम पे हमारे पास क्या बच रहा है, इंस्टा की रील्स, ध्रुवरा ऑफ की कोर्स चिट्ठी. मतलब ऐसे काफी सारे मतलब सोर्सेस, नॉट जस्ट ध्रुव राठी, मतलब ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो अपना एक वो मिर्च मसाला लगा के थोड़ा अपने से अपने से बता देंगे एंड वी गेट कैप्टिवेटेड ऑफ दैट, और हम भाई उसको एक रियल सोर्स मान लेंगे कि ठीक है, अरे हाँ उसने ये बोला था, चलो पेपर में यही लिखाते हैं. हाँ जी हाँ जी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आज लोगों को जो उनके क्वेश्चंस थे और जो हमारा टॉपिक था, कहीं ना कहीं लोगों को पता चला होगा कि जॉब्स गवर्नमेंट जॉब तक, मतलब हमारा एक जो एक एजुकेशन है वो केवल जॉब के लिए नहीं है। एजुकेशन में एक हमारा एम है जिससे हम एक खुद को बेहतर इंसान बना सकें, एक बेटर एक देश को सर्व कर सकें और अपने कंट्री के लिए कहीं ना कहीं बेटर वर्क कर सकें। और आई थिंक जानवी जी ने भी आज हमें बहुत सारी चीजों को लेके हाईलाइट करा और काफी टॉपिक्स और करंट अफेयर्स हमें भी पता चले। तो जानवी जी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ऑडियंस को इतनी चीजें बताई आज। थैंक यू सो मच तुषार, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगी तुषार का. ही इज एन अमेजिंग चाइल्ड, अ रियली 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 अमेजिंग चाइल्ड, जिसमें बहुत ज्यादा कैलिबर है, बहुत ज्यादा कैलिबर है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर ARSD जो अभी इस लाइव को देखने आए हुए हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू. आई वुड लाइक टू थैंक तर्क विंगर, सोनू भैया, थैंक यू सो मच फॉर अपॉइंटिंग मी एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ तर्क विंगर. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया, एंड इट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई गॉट पिच्ड बाई यू. वी गॉट टू नो इच अदर एंड टूडे वी द रिजल्ट इज हियर. सो आई एम ग्रेटफुल टूवर्ड्स यू एज वेल तुषार. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक सम ऑफ माई वेल विशर्स हु हैव ऑलवेज बीन बाय माई साइड, जिन्होंने हमेशा मुझे भर के सपोर्ट किया है. सो आई लव यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड लाइव को एंड करने से पहले मैं सबसे इस लाइव के जो हमारे इस इवेंट के सबसे जो हमारे मेन पर्सन है जिनकी वजह से ये इवेंट आज कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाया, मैं थैंक्स करना चाहूंगा हेमंत सिंह जी का, जिनकी वजह से मैं जानवी जी से मिला और कहीं ना कहीं तर्क विंगर का पार्ट बन पाया। और आई थिंक मैं बताना चाहूंगा जानवी जी को कि मैंने ही आज भी मतलब पर्सनल इंटरव्यू आज अभी कंप्लीट करके आया। और क्या फैकल्टी है आपके, हेमंत जी हो गए, मृणाली जी हो गई, सोनू जी हो गए, ईशा जी हो गई, आरती जी हो गई, मैं सोनिया जी हो गई, मैं सबके नेम अभी जितने मेरे सामने आए मैंने लिए। बट हेमंत भैया का कहीं ना कहीं रोल मैं बताऊं उनका स्टार्टिंग से बहुत रहा है। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सारी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब सब बहुत अच्छे समझाई। और हाँ कि जानवी दीदी आपके बारे में मतलब सारी चीजें बताई कि हाँ उनका इंटरव्यू जरूर करना चाहिए तुम्हें, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच हेमंत को भी मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू, एंड ही इज लिटरली एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, एन एक्सीलेंट डिबेटर, एंड आई हैव ऑलवेज गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल. सो थैंक्स टू हेमंत, थैंक्स टू तुषार, थैंक्स टू द एंटायर ARSD, द एंटायर NSUI पीपल हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. या अगर आप देखना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के और लोगों के साथ जानवी दीदी के साथ अगला पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट टू भी यहाँ पे आ सकता है और नए इंटरव्यूज भी यहाँ पे आएंगे।
थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. आज का इंटरव्यू आज आप सभी ने देखा, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को एंजॉय करें. और अगर आपके पास भी एक ऐसी कहानी है जो लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल तुषार पॉडकास्ट पर विजिट कर सकते हैं. और क्या पता कल आप भी हमारे साथ बैठे हुए हो और हमारे दर्शकों को कहानी बता रहे हो, तो हमें अपनी कहानी जरूर भेजिएगा. और इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक अगली कहानी के साथ. तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.